में दबंगों ने युवती के साथ की छेड़छाड़, युवती ने एसएसपी से लगाई गुहार। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के रिपोर्टिंग पुलिस चौकी सतोहा के अजय नगर गिरधरपुर रोड निवासी एक पीड़ित परिवार ने नाम दर्ज पड़ोसियों पर लगाया युवती के साथ छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप। स्थानीय थाना हाईवे में शिकायत करने पहुंचे पीड़ित परिवार का आरोप है कि वहां पर मौजूद सतोहा पुलिस चौकी इंचार्ज ने फटकार कर भगा दिया। अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे पीड़ित थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गिरधरपुर रोड अजय नगर के निवासी हैं। उन लोगों की माने तो 28 दिसंबर पड़ोस के ही रहने वाले लोग उनके घर में घुसकर और मामूली सी बात को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो पुत्री से छेड़छाड़ की और उसके कपड़े फाड़ डाले और जबरन पड़ोसियों ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मारपीट की और शिकायत करने पर मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पीड़ित परिवार के लोगों ने स्थानीय पुलिस व महिला हेल्पलाइन को फोन पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार का बयान तो दर्ज कर लिया व दर्ज कर चली गई और पीड़ित परिवार को सुबह थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की बात कहकर चली गई। जब पीड़ित परिवार दूसरे दिन सुबह थाने हाईवे पहुंचा तो वहां पहले तो उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद वहां पर मौजूद सतोहा पुलिस चौकी इंचार्ज ने उन्हें थाने से फटकार कर भगा दिया। इससे परेशान होकर पीड़ित परिवार अपनी पुत्री को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। मैं अजय नगर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या मामला है, बुरा क्यों आई है ससुर? मैं इसलिए आई हूँ, हमारी पहले भी घटना हो चुकी है, मेरे साथ छेड़खानी हुई है और मारा पीटा भी है बहुत ज्यादा, और कुछ मामलों की वजह से इन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो गौर पड़ कर रखा है इन लोगों ने, जो पड़ोसी है, सामने वाले हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा। पुलिस के पास जाते हैं तो ये पैसा भर देते हैं, और हम थाना हाईवे गए तो उन्होंने हमको फटकार भगा दिया कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। कप्तान साहब के पास आए हैं तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी सुनवाई होगी। किसने फटकार कर भगाया आपको? अनुज नारक। अच्छा, अनुज नारक। अच्छा, मतलब पुलिस चार्ज है? हाँ। तो कप्तान साहब ने क्या कहा है? कप्तान साहब ने कहा है कि आपकी कार्रवाई होगी। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जयनगर गिरधरपुर रोड का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है, क्यों आए हैं सर? घटना सर ये हुई है कि हमारा कुछ पहले से विवाद चल रहा है, तो उसमें ये गोबर को लेकर और कुछ नाली की लड़ाई की झगड़े को लेकर हमारे साथ ये विवाद हुआ। तो हम घर पे, जैसे हम बाहर थे तो घर पे लड़ाई हो रही थी, घर में घुसकर पड़ोसी मारपीट कर रहे थे। तो मारपीट करते हुए हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे लड़ाई हो रही है। तो मैं बाहर से आया कहीं से, और मेरा बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन आए थे, तो मेरी छोटी बहन ने मेरे बड़े भाई से मारपीट की, और मेरी बहन छोटी बहन को घर में से निकाल मतलब खींच के ले जा रहे थे, और ले जाने उसके साथ छेड़छाड़ भी की है। छेड़छाड़ करने के बाद में उसको धमकी भी दी है कि सर अगर वही वाले किसी के पास गए तो तुमको जान से मार देंगे। फिर हम उसके बाद में थाने भी गए, थाने भी जाने के बाद में थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट उस जगह पर दर्ज नहीं की गई। क्या कह दिया थाने पर? उन्होंने अनुज नागर जी ने हमसे यूँ कह दिया कि आपकी रिपोर्ट कहीं भी आप चलो जाओ, कहीं भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। अब अधिकारियों को आपने बताया, क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने हमसे ऐसा, हमें एसएसपी ऑफिस आया, एसएसपी ऑफिस ने मतलब अधिकारी ने हमसे एक बात कही कि आपका काम जरूर होगा, 100% होगा। आश्वासन दिया कर रहे हैं? आश्वासन दे चुके हैं हम। वो कौन है? अनुज नागर। कौन है अनुज नागर? सतोई पुलिस चौकी इंचार्ज।